मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हड़ताल पर गए शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश दिए जाने के बाद शिक्षकों ने इसे ठेंगा दिखा दिया। शिक्षकों ने एक स्वर से समान काम समान वेतन सहित कई मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कर डटे हुए हैं। जिले के सभी बीआरसी कार्यालय पर शिक्षकों द्वारा धरना दिया जा रहा है। शिक्षकों के द्वारा काले हड़ताल पर चले जाने से विद्यालय में ताला लटक गया है और पठन पाठन पूरी तरह बाधित है। वहीं समान काम समान वेतन की मांग नहीं पूरी होने पर शिक्षक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही शिक्षक शिक्षिका लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों को जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें उनके हक की लड़ाई लड़ने से डराना चाहती है, लेकिन सरकार को शायद मालूम नहीं है कि नियोजित नियमित शिक्षक सरकार की धमकी से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अब दमनकारी नीतियों पर उतर गई है, लेकिन शिक्षकों ने भी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। सरकार के दमन से हम शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। अगर आप शीघ्र हमारी मांग नहीं पूरा करते हैं तो हम ये विधानसभा चुनाव का इंतजार भी नहीं करने जाएंगे, और सदन की लड़ाई जो हमारी है उसके लिए जो एमएलसी का चुनाव अभी अप्रैल में होने जा रहा है, जदयू भाजपा लोजपा के सभी उम्मीदवार को कोसी पटना तिरहुत और दरभंगा स्नातक क्षेत्र से जमानत जब्त कराकर सरकार को वोट की लड़ाई का भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए हम नियमित शिक्षक हमारे लिए अपना बर्खास्तगी को स्वीकार कर लिया। सरकार अगर बर्खास्त किया है तो नियमित शिक्षक ने हमारे लिए बर्खास्तगी दे दिया है। यह अहंकारी नीतीश सरकार को यह सीधा संदेश है, यह नियोजित नियमित की लड़ाई नहीं है, यह बिहार में शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। हम लोग अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के करोड़ों नौजवान जो शिक्षित नौजवान है वह जब शिक्षक बनेंगे तो हम लोगों के इस लड़ाई पर गर्व करेंगे कि बिहार में एक नियोजित शिक्षक नाम के लोग थे जो सरकार के तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देकर सब लोग समान वेतनमान हासिल कर रहे हैं। जो आने वाला शिक्षक जब पीढ़ी बहाल होगा तो उसको गर्व महसूस होगा। ये धमकी और ये चमकी माननीय मुख्यमंत्री के ये FIR का लेटर और ये जो बर्खास्तगी का लेटर है, ये लोग को सबको हम लोग ठेंगा दिखा दिए हैं। अब बिहार के लाखों शिक्षक आप देख रहे हैं, यह जमुई सदर प्रखंड का धरना चल रहा है और यहाँ पे सभी शिक्षक हड़ताल पर है। जो लोग आज वहां पर बैठे हैं यह कसम खा के बैठे हैं कि हम शरीर का एक एक बूंद सूख जाएगा, हम अंतिम सांस तक इस हड़ताल पर डटे रहेंगे। जब तक हमारा पूर्ण वेतनमान राजकर्मी का दर्जा और पुराना पेंशन नहीं मिल जाता है तब तक इस सरकार के किसी भी धमकी से हम नहीं डरेंगे। हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हमको करना है बर्खास्त, आप कर दीजिए। हम लोग नारा भी बुलंद कर दिए हैं कि कितना लंबा जेल तुम्हारा, देख लिए हैं और देखेंगे। कितना दम है दमन में तेरे, देख लिए हैं और देखेंगे। इसलिए हम डरने वाले नहीं है।